वसीम दमक बंगला जिंदे हमुक वड़े आसरातिया जिभार सी पैक का 5 किलोमीटर दूर ही दमगा वर्दनिया पे तंगी स्कूल प्रश्त प्रोशा जान सलामती है छोड़ी आसराती नीस बसीमा जालबुला निवासता राज दफ्तरी रेस्ट हाउस यस्त बल इंतजामिया ना दिलगुश ये सब वही रेस्ट हाउस प्रश्त प्रोशिया माची दिलगुश का ने रिपोर्ट हाँ बसीमा कस्बे से सीपेक पर 5 किलोमीटर के फासले पर एक दर्जन से जायद घरानों पर मुश्तमिल एक आबादी है जिसे दो दहाई पहले बंगला के नाम से जाना जाता था। असल में यहाँ के खवानी ने कलात के जमाने से एक रेस्ट हाउस कायम था। उस रेस्ट हाउस की इमारत की निस्बत से आबादी को भी बंगले के नाम से पहचान हासिल था। क्याम पाकिस्तान के बाद ये रेस्ट हाउस महकमा B&R के इंतजाम में रहा और B&R ने यहीं पर एक और रेस्ट हाउस तामीर किया। यूं तो कदीम और जदीद रेस्ट हाउस सरकारी हुकाम की सहूलियात के लिए होते हैं लेकिन इन पर बतौर खिदमतकार तैनात मुलाजमीन के खानदान भी नस्लों से यहाँ पर रहायश पजीर हैं। यूं यह रेस्ट हाउस एक सरकारी इमारत के बजाय एक बाकायदा इंसानी आबादी की रहायश गाह बन चुका है। महकमे की अदम तवज्जोही के बायस दोनों इमारत दिन ब दिन टूट फूट और खस्ता हाली का शिकार हो रहे हैं बल्कि इस अदम तवज्जोही का बिलवास्ता असर आबादी पर भी हो रहा है। वाज़ेह है कि इस मकाम से एक कुदरती चश्मा निकलता है, उसके पानी से 5 किलोमीटर दूर बसीमा कस्बे में भी लोगों के लगाए हुए बागात भी सैराब होते थे। बारिशों में कमी की वजह से और जेर ज़मीन पानी इलाके में बिजली की आमद के साथ लातादाद और गैर कानूनी ट्यूबवेल कनेक्शनों की वजह से कम होता जा रहा है। इस सारे पस मंजर में काबिल अफसोस नुकता ये है कि मुलहका आबादी के मकीनों की हालत भी काबिल रहम है। चश्मे का पानी ही उनके लिए पीने का वाहिद वसीला है और कोई मुतबादल भी दस्तयाब नहीं, जिसकी वजह से आबादी को पीने के पानी की कमी का सामना है बल्कि इस आबादी को जिंदगी की दीगर बुनियादी सहूलियात से महरूमी का सामना है। तभी पुर अम्मा ईटे में तामी आपा वर गए इसका जानवर वरा इसका इंसान वरा बाकी ये चश्मा शब पाकिस्तान आज़ाद भी होगा सरे चश्मा यार लिहाजा यक के का साली है वजह दोमी एरीगेशन है नाइलिए नालायकी शाही वजह ये उश्क बाज दफ़ा लेटर दाता गुश्तत भाई शरा सफाई इपकन है सफाई इपकन है लिहाजा सफाई है फंड हर चीज़ या कात जुनाब होती जेबा है जशुता वजह पमे ची है नाली है सफाई है खातरा 2017 है ता आलम फराज डेसी वाशोक मामसनिया अभी लख रुपी दात किशरा सफा आपका ने लिहाजा ये लख भी शमोदा जेब जनक भी वरक भी शुत लिहाजा शीशरे ची बेगाना है एम पी ए भी आता रेस्ट आई सर्दी से भी एम एन ए भी आता गंत और कोई अफसर भी ये दा तक आए दा बस और का गुड़ियम बेनता गिश ने वार्ता गिश कि अम्मा बस रवन ये उड़कनन अम्मा ये उड़कनन लिहाजा बस आना मोती नाना रा वार्ता अम्मा में तसली रा दाता गिश लिहाजा पदा अम्मा आवाजा पमौली मुफ्ती मुनी भी दूरबीन अम्मा चारता ये अफसर दराय ना बहन जनाब 2017 है था डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन वाशोक मीर अब्दुल खालिक मामजनी साहेब भी दा तारा भी गप गुशक भी था आई गो ठीक है जनाब मने कारा कनीन लिहाजा आई भी फंड दात आ भी फंड वजह शाह न्याम आ भी जेब जनक बुतान लिहाजा आ भी शोतान इसी तरह ची बहेगा नैन शन नवे के दे माए थे दुरान ना लायक का ये सिर्फ होती जेब सोचा जनंत न रेस्ट आवी से सोचा जनंत न कोई आप है सोचा जनंत है चीनिस्त न सेहत न स्कूल सब न होने की बराबर है। मकीनों ने रेस्ट हाउस की अदम देखभाल पर शिकायत की है बल्कि चश्मे की सफाई स्कूल की इमारत को मरम्मत करने के साथ साथ तमाम बुनियादी सहूलियात की फरहमी का मुतालबा किया है बल्कि उन्होंने हुकूमती अदम तवज्जोही पर गहरी मायूसी का इजहार किया। वश न्यूज़ बसीमा।